अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ एक टेस्टी और जूसी चिकन कबाब की रेसिपी। आप लोग अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का दबा दीजिए और ऑल का सेलेक्ट जरूर बेल ज़रूर दबाइएगा। ये चिकन के पीस को छोटे छोटे पीस में कट करेंगे, मीडियम साइज से, बहुत छोटे भी नहीं बहुत बड़े भी नहीं। बड़ा रहेगा तो गलने में बहुत तकलीफ होता है, देर लगता है और अंदर तक मसाला भी नहीं जाता है। अभी ये देखो 300 ग्राम टोटल हमारे पास चिकन था, थोड़े से उसमें गर्दन थे, अदरक पेस्ट डाल दिया है एक चम्मच 15 ग्राम तक, और लहसुन का पेस्ट डाला है 15 ग्राम तक। अब ये ग्रीन चिल्ली का पेस्ट डाला है एक बड़ा चम्मच हमने डाल दिया है। ये लाल मिर्ची का पाउडर एक बड़ा चम्मच डाला है। ये हल्दी आधा चम्मच डाला है, हल्दी पाउडर। ये धनिया है आधा चम्मच, आधा धनिया पाउडर। ये गरम मसाला है आधा चम्मच। ये ज़ीरा भुना हुआ उसका पाउडर है पौना चम्मच। पाव चम्मच काली मिर्च पाउडर है। चाट मसाला एक आधा चम्मच डाल दिए। नमक अपने जायके के हिसाब से डाल दीजिए, एक चम्मच डेढ़ चम्मच। ये खाने का सोडा है आधा चम्मच डाले हैं उसके गलने के लिए। आधा लेमन का जूस निचोड़ देंगे ताकि अंदर तक का पूरा मसाले का पहुंच जावे। लाल कलर खाने वाला मिला करके उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके एक घंटे के लिए रख देंगे। एक घंटे के बाद उसमें दो चम्मच चने का आटा मतलब बेसन डालेंगे और चावल का आटा एक चम्मच डालेंगे और उसको अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद में एक तेल कढ़ाई में तेल रख लिया। गर्म होने के बाद उसमें एक एक पीस संभाल के आहिस्ता आहिस्ता जितना भी पीस आवे उतना हिसाब से डाल लें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आवे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करिए। आप लोग का लाइक करने से या शेयर करने से आप लोग का कुछ नुकसान नहीं होता है, हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है और हमारे को नया नया वीडियो बनाने के लिए हिम्मत होती है। अब इसको थोड़ा देर तीन दो तीन मिनट फ्राई करने के बाद उसको फिर से पलट लें, हर तरफ से अच्छे से फ्राई कर लें। मीडियम आँच में फ्राई करें, ज़्यादा तेज आँच में मत करें, नहीं तो अंदर तक सूख जाएगा, उसका जूसी ख़त्म हो जाएगी। या 5-6 मिनट करने के बाद इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। निकालने के बाद बाकी का भी डालकर को एक एक करके पूरा डाल को इसको भी फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से दो दो तीन तीन मिनट अच्छे से फ्राई करें, मीडियम आँच में करें, ज़्यादा तेज आँच में ना करें। अब फ्राई देखो हो गया। अब इसको हमने निकाल लिया तो कितना खूबसूरत दिख रहा है, कितना अच्छा लजीज दिख रहा है। इसको प्याज से और नींबू के साथ सर्व करें और इसे आराम से खाएं, नाश्ते में, टी टाइम में या खाने के साथ में भी खा सकते हैं। हमारी रेसिपी को लाइक कर लीजिए और उसको शेयर कीजिए। और कोई और वीडियो का इस दूसरे वीडियो में फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जाते जाते।